एक दिन पहले सनराइजर्स हैदराबाद ने रनों की बौछार की और रिकॉर्ड बना दिया। दूसरी ओर बीजेपी सीटों की बौछार करने के जुगाड़ में है और उनका भी इरादा इस वक्त ये है विक्रांत कि वो रनों की बौछार कर दे सीटों के लिहाज से। नमस्कार, मैं हूं विक्रांत गुप्ता। चित्रा, क्रिकेट में एक लफ्ज का इस्तेमाल किया जाता है, हम कहते हैं कि धागे खोल दिए, चीथड़े उड़ा दिए। कल रात का जो मुकाबला हुआ उसमें वाकई में हैदराबाद ने मुंबई के गेंदबाजों के धागे खोल दिए, गेंद के चिथड़े भी उड़ा दिए। तो आप देखिए कि मतलब इतनी मार पड़ी कि कल गेंद की शक्ल बिगड़ गई, बाजी के सारे रिकॉर्ड टूट गए। हार्दिक फिर ब्लंडर पर ब्लंडर करते रहे, कप्तान के तौर पर भी और खिलाड़ी के तौर पर। बिल्कुल, क्रिकेट के मैदान पर चौके छक्के बरसे तो राजनीति के मैदान पर बाउंसर्स चलते रहे। यहाँ एक एक रन यानी एक एक सीट के लिए इतना घमासान है कि कई उम्मीदवार ही नहीं, कई पार्टियां भी रनआउट होते हुए दिखाई दे रही हैं। सब आपको विस्तार से बताने वाले हैं, लेकिन सबसे पहले टॉस का टाइम है विक्रांत। हमेशा की तरह सिक्का मेरे पास है, लेकिन दो दिन से मैं हूं। वैसे चित्रा, उसके लिए कुछ करना पड़ेगा। आप हर रोज हेड्स मांग रही हैं, आज कुछ चेंज करना चाहेगी? आज भी हेड्स। आज आप अपने हिसाब से देखिए, आप क्या चूज करेंगे। आप ही कॉल करेंगे क्योंकि सिक्का मैं उछालूंगा। तो चलिए आप कॉल कीजिए, हेड्स या टेल्स। रोज मैं वही जीत रही हूँ तो फिर हेड्स ही मांगा इन्होंने। आज तो टेल्स आ गया, ये गड़बड़ हो गई। आज सिक्का जो है टेल्स आ गया और टॉस मैंने जीत लिया है। लेकिन मैं एक काम करता हूँ, देखिए आईपीएल में कभी कभी आपको पहले बैटिंग करनी पड़ती है, कभी कभी आप चेज करना चाहते हैं, तो एक काम करते ना, आज का दिन भी बड़ा है राजनीतिक गलियारों से, तो पहली बल्लेबाजी आपकी। चलिए, बहुत आप अपने हिसाब से बताइए। ऐसे अगर इस तरह से आप टॉस जीतेंगे और मुझे आप पहले बल्लेबाजी का मौका देते रहेंगे तो मैं उम्मीद करूंगी हमेशा आप ही टॉस जीते, बल्लेबाजी मैं करती रहूं। क्रिकेट वाले आईपीएल में अपने होम ग्राउंड पर खेल दिखा रही हैं। विक्रांत ने जैसा कि जानकारी दी, अपने अपने जलवे दिखा रही हैं। इस आईपीएल में अब तक जितने भी मुकाबले जीते गए हैं वो होम ग्राउंड में जीते गए हैं। कुछ ऐसा ही हाल अब सियासत का भी देखने को मिल रहा है। जहां पार्टियां अकेले राज कर रही हैं वहां तो कोई परेशानी नहीं है, लेकिन जिन प्रदेशों में 3-4 पार्टियों का गठबंधन है वहां की पिच पर बैटिंग करना आसान नहीं। सबसे पहले आपको लेकर चलते हैं बिहार, बिहार के मैदान पर, वहां की पिच से आपको दिखाते हैं रिपोर्ट। बिहार के सियासी खेल में अब तक तय नहीं हो पाया है कि कौन किस सीट पर चुनावी समर में उतरेगा। पूर्णिया सीट पर तो आरजेडी ने पप्पू यादव को कर दिया रनआउट। देखिए क्या कह रहा है वहां का सियासी खेल। पप्पू यादव तो टाइम आउट का शिकार हो गए, ग्लव्स पहना, पैड बांधे, बल्ला उठाया और मैदान में उतरने ही वाले थे कि आरजेडी ने बीमा भारती को पूर्णिया के मैदान से उतार दिया। रुआंसे हो गए बेचारे, बिल्कुल श्रीलंकाई खिलाड़ी एंजेलो मैथ्यूज की तरह पप्पू भी टाइम आउट का शिकार हो गए। मैं आज तक इतना परेशान कभी नहीं हुआ, इतना आहत कभी नहीं हुआ, इतना दुखी कभी नहीं हुआ जितना मैं लाइफ में इस एक सप्ताह में मैं दुखी हूँ। फिल्म वाले विकी कौशल होते तो डायलॉग मारते ये दुख खत्म काहे नहीं होता, मगर राजनीति वाले खिलाड़ी पप्पू यादव डायलॉग वाला अलग शॉट मार रहे हैं। पूर्णिया हर परिस्थिति में इससे बेहतर है मरना, आत्महत्या करना। पूर्णिया छोड़ने का मतलब है अपनी जिंदगी को कोलैप्स कर लेना, खत्म कर लेना। पप्पू यादव अब थर्ड अंपायर यानी आरजेडी के भरोसे हैं, मगर आरजेडी को आउट नहीं देना होता तो वो अपनी खिलाड़ी को पप्पू की जगह बैटिंग करने भेजती ही क्यों। कार्यकर्ता एकदम तैयार है, जोश खरोश के साथ तैयार है। हमारे पूर्णिया का लोकसभा के एक एक जनता में जोश भरा हुआ है और एक एक जनता जो है काफी इंतजार में थे कि कब आइएगा, इसलिए सभी जनता का जो है आग्रह करेंगे कि सब इसी तरह से, हम नहीं हमारे पूरे कार्यकर्ता पूरे जनता उम्मीदवार हैं। बीमा भारती लीड लिए हुए हैं और पप्पू यादव बैटिंग के इंतजार में हैं। अलबत्ता पप्पू यादव के बयान पर बीजेपी ने पॉइंट पर छक्का मारा। दुनिया को छोड़ दो लेकिन पूर्णिया की बात मत करो पप्पू यादव। लालू प्रसाद ने कह दिया कि अब कोई जदुवंशी समाज का बेटा मेरे बेटे के अलावा राजनीति नहीं करेगा। वैसे बिहार में महागठबंधन की टीम बिखरी हुई है, बिल्कुल मुंबई इंडियंस माफिक। मगर महागठबंधन कह रहा है कि कल सीटों के बंटवारे का ऐलान कर दिया जाएगा। सूत्रों की माने आरजेडी कांग्रेस को 6 से 7 सीटें दे सकती है। कांग्रेस बिहार में 10 सीटें चाहती है। लालू यादव ने नया फॉर्मूला निकाला है,
कांग्रेस को बिहार में वो 9 सीटें दे सकते हैं, मगर इसके बदले में झारखंड में 2 सीटें मांग रहे हैं। कौन सा फॉर्मूला फिट बैठेगा ये देखने वाली बात होगी, मगर बीजेपी के प्लेयर्स कह रहे हैं कि बिहार में महागठबंधन पूरी तरह खत्म हो जाएगा। वो गठबंधन है ही नहीं, वो ठगबंधन है और उसमें फोटो सेशन केवल होता है। इससे सर्वनाश हो जाएगा टीएमसी को, और जो इंडी गठबंधन के लोग हैं, घमंडिया गठबंधन के लोग हैं, उनका तो हम समझते हैं अता पता नहीं रहे। जंग जबरदस्त है, देखना होगा कि कल महागठबंधन कैसी स्ट्रेटजी बनाता है और मैच को कितना कांटेदार करता है। पटना से शशि भूषण सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। पॉलिटिक्स हो या फिर क्रिकेट हो, टीम सिलेक्शन को लेकर ना हमेशा सवाल उठते हैं। कई बार ये सिलेक्शन जो है वो खींचतान में भी तब्दील हो जाती है। अब देखिए, मुंबई इंडियंस ने हार्दिक पांड्या को रोहित शर्मा की जगह कप्तान बनाया, वहां उनके फैंस नाराज हो गए, और दूसरा उनकी खुद की परफॉर्मेंस, उनकी कप्तानी जो है वो फैसलों वो सवालों के घेरे में आ गई है, लगातार सवालों के घेरे में है। आपने मुंबई की बात की, तो सियासत की पिच में भी मुंबई की राह आसान नहीं है। आज गोविंदा ने शिंदे गुट की शिवसेना ज्वाइन करके सभी को चौंका दिया। वहीं महाविकास अघाड़ी में सीटों को लेकर जारी खींचतान में अब बयानों के बाउंसर चल रहे हैं। कैसे महाराष्ट्र की सियासत में अब तक खेल फंसा हुआ है, आइए उसको समझाते हैं अपने इस रिपोर्ट में। आप इसी की वजह से इंप्रेस हो गए ना सर? मुंबई इंडियंस की तरह ही महाराष्ट्र में मुंबई का खेल फंसा हुआ है। शिवसेना ने 17 उम्मीदवारों की फाइनल टीम बनाई तो शरद पवार और कांग्रेस भड़क गए। बयानों के बाउंसर फेंके जाने लगे तो अपने ही खिलाड़ियों को रनआउट कराने की धमकी जारी होने लगी। ये बात अगर नाना पटोले जी, बाला साहेब थोराज जी ने की है या पृथ्वीराज चव्हाण जी ने की है तो मैं बात करूँगा। बात ऐसी है कि हमारी लिस्ट आई है और सीट शेयरिंग की चर्चा लगभग पूरी हो चुकी थी। चर्चा कुठल्याही याच्यामध्ये आघाडीच्या याच्यात होत नाही, एखाद्या जागेबद्दल आणि परस्पर असं जाहीर करता येत नाही। आखरी आघाडीमध्ये सहमतीने हे सगळे निर्णय घ्यायचे असते, त्यालाच आघाडीचा धर्म म्हणतात। उधर बीजेपी के लिए भी अपनी प्लेइंग टीम तैयार करना आसान नहीं है। सूत्रों की माने तो तमाम खींचतान के बाद अब सीट शेयरिंग का फॉर्मूला महायुति में तय हो गया है, जिसमें बीजेपी को 28 सीट, शिंदे गुट को 14 सीट, अजीत पवार गुट को 5 सीट और आरएसपी को 1 सीट देने पर सहमति बनी है। वहीं अगर एमएनएस को 1 सीट दी जाती है तो शिंदे गुट या बीजेपी 1 सीट कम करेगी। मैं आपको थोड़ा हमारा काम में हाथ बटा लेना है। आप कहिए। उधर खबरों की माने तो शिंदे गुट स्टार खिलाड़ी के साथ मैदान में उतरने की तैयारी कर रहा है। एक्टर गोविंदा एक बार फिर सियासत में हाथ आजमा सकते हैं, लेकिन इस बार उन्होंने अपनी टीम बदल ली है। हालांकि मैदान पुराना ही चुना है, जिन्हें मुंबई नॉर्थ वेस्ट लोकसभा सीट से टिकट मिल सकता है। ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि जो काम मुझे मिलेगा मैं ईमानदारी के साथ वो काम कर पाऊं, ऐसे माई के चरणों में मेरी प्रार्थना है। चुनाव के लिए नहीं आए, टिकट भी नहीं चाहिए। उन्होंने पहले मुझे कहा कि कोई टिकट विकट नहीं चाहिए। मैं बोला मेट्रो मेट्रो का तो टिकट निकालना पड़ेगा, तो बोले वो चलेगा, चुनाव का टिकट नहीं चाहिए। ये वही सीट है जिसे लेकर संजय निरूपम नाराज नजर आ रहे हैं। उधर बीजेपी ने अमरावती से नवनीत राणा को उम्मीदवार बनाया है, जिसके बाद शिंदे गुट के नेताओं ने बगावती तेवर अपना लिए हैं। पूरा विरोध उधर है, केस उसके आगे जाने वाली है। हाँ। तो फिर भी कैसा चुनाव लड़ी तो आपको लगता है वहाँ से जीत पाएंगे सर? कैसी नहीं, सब विरोध है, उनके खुद पार्टी का विरोध है। लेकिन आप ही के महायुति के लोगों ने डिसाइड किया? महायुति ने नहीं डिसाइड। देश में अब की बार 400 पार और 400 में एक अमरावती हो, इसके लिए जितने भी एनडीए के घटक है वो मोदी जी के सपने के लिए और अमरावती के विकास के लिए सब एकजुट होकर एक मंच पे आकर एक साथ काम करें। बहरहाल सियासत के पिच में फाइनल टीम बनाना हर पार्टी के लिए सबसे बड़ी चुनौती बना हुआ है। आज तक ब्यूरो। वैसे चित्रा, मुंबई इंडियंस का हाल ना कुछ इसी तरह का है, जहां पांड्या की कप्तानी अब सवालों के घेरे में है। आईपीएल में कल रात जो हुआ उसे कांटे का मुकाबला तो नहीं कहेंगे, लेकिन हैदराबाद ने अपने दिल में चुभा एक कांटा जरूर निकाला है। मुंबई के खिलाफ पिछले 5 मैच में सिर्फ 1 जीत उसके मुंह चिढ़ा रही थी, तो उसके बल्लेबाजों ने मुंबई के गेंदबाजों को कसकर धुन दिया।
सिर्फ 3 विकेट पर हैदराबाद ने बनाए 277 रन। ये एक तरह से कहें तो धज्जियां उड़ाने वाली बल्लेबाजी थी। मुंबई की गेंदबाजी के पास कोई जवाब नहीं था और अंत में मुंबई ने ठीक है थोड़ी बहुत बल्लेबाजी जरूर की, लेकिन 31 रन से वो इस मैच को हार गए। अब मजे की बात, अगर आप आंकड़ों पर नजर डालें, ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया। इस मैच में 523 रन बने हैं, कभी हुआ नहीं कि T20 के एक मुकाबले में 523 रन बने हों। 38 छक्के लगे हैं, ये भी एक अपने आप में रिकॉर्ड है। 277 रन जो हैदराबाद ने बनाए वो तो रिकॉर्ड था ही, और छक्के ऐसे उड़ रहे थे जैसे हवाई जहाज उड़ रहे हैं। मतलब एक टेक ऑफ किया, लैंड किया, तो बहुत मजा आया ना विक्रांत, देखने वालों को मजा आया, वसूल मैच। लेकिन इसमें फिर वही बात आ जाती है कि क्या मुंबई ने सही किया, क्योंकि जब मुंबई जैसी टीम 277 रन खाती है तो आप उम्मीद करते हैं कि यार ये टीम बैटिंग तो करेगी। बैटिंग हुई भी, एक वक्त ऐसा भी लगा जहां पर मैच फंस जाएगा, लेकिन वो मैच वहां पर निकाल लें। बिल्कुल, ये बड़ी बात आपने कही है विक्रांत। जिस मैच में इतने चौके छक्के उड़ाए गए उस मैच का एक्शन रिप्ले तो देखना बनता ही है। पहले हैदराबाद का एक्शन दिखाइए और बताइए कि मुंबई की इतनी धुनाई क्यों हुई। चलिए ठीक है, वैसे तो आप हाइलाइट्स जो हैं वो मैच भी हाइलाइट्स की तरह ही था, क्योंकि हाइलाइट्स में आमतौर पर क्या होता है, आप सिर्फ चौके छक्के दिखाते हैं, वहां हर गेम में चौका छक्का था। ये होम ग्राउंड था हैदराबाद का और बैटिंग विकेट थी। ट्रेविस हेड जो कि वर्ल्ड कप फाइनल में भारत को हरा गए थे अकेले, उनसे आज शुरुआत की उन्होंने कल, और ये देखिए, मतलब ट्रेविस हेड को ऐसा लग रहा था जैसे बच्चों के सामने खेल रहे हैं, टॉप गियर में थे, और हेड तो इतना नुकसान करके जा चुके थे कि उसके बाद अभिषेक शर्मा, क्लासन, माकरम, जो आया बहती गंगा में अपने हाथ को धोकर ही गया। पावर प्ले में 80 रन बन चुके थे, जहां पर आपने पावर प्ले में 80 रन बना दिए हो तो ये तो दिख रहा था कि 220-30 तक जाएंगे, लेकिन 277 तक पहुंचाने में क्लासन और माकरम का रोल था। अभिषेक और ट्रेविस हेड ऊपर से और क्लासन और माकरम नीचे से। मतलब विक्रांत ये कि कमाल नहीं बल्कि धमाल के बल्लेबाज, एकदम विस्फोटक। यकीन मानिए जिसने भी मैच देखा होगा उसे भी दोबारा इन तस्वीरों को देखकर मजा आ गया होगा। लेकिन मुंबई ने भी दमदार जवाब दिया था जिसने भी देखा। बिल्कुल नहीं, उनकी शुरुआत अच्छी थी, ईशान किशन ने और रोहित शर्मा ने, उसके बाद नमनधीर ने आकर, फिर तिलक वर्मा ने आकर, लेकिन फिर वही बात, जब आपके दिन अच्छे नहीं होते तो कल हार्दिक पांड्या पहले कप्तानी में ब्लंडर कर रहे थे, बल्ले के साथ आए, उन्होंने 24 रन बनाए 20 गेंद में। मतलब आप कह रहे हैं कि उनकी चुनौतियां कम होने का नाम ही ले रही है। एग्जैक्टली, और जब आप इतनी स्लो बैटिंग कर रहे थे, आप अंत में 31 रन से तो मैच आ रहे, 31 रन का मतलब है 7-8 गेंदें और होती तो शायद मुंबई चेज भी कर जाती। बिल्कुल, मुंबई पीछे मुड़कर देखेगी ना, उन्हें ये लगेगा कि एक तरफ तो हार्दिक गेंद और बल्ले से नहीं चल पा रहे, दूसरा ये है कि उनकी जो कप्तान के तौर पर रणनीति है वो चित्रा सही नहीं है। जैसे बुमराह दुनिया के सबसे बड़े गेंदबाज, उनको आपने सिर्फ एक ओवर कराया चौथा और फिर 13वें ओवर तक रोक के रखा, जब तक चिड़िया खेत चुक के जा चुकी। बिल्कुल बिल्कुल। वैसे जो मैं हार्दिक पांड्या की कप्तानी की बात कर रहा हूँ, दो मैच हो गए हैं और दोनों मैचों में उनकी टीम को हार मिली, लेकिन हुआ ये है कि लोग मुंबई इंडियंस के खासतौर से फैंस एक तो नाराज थे कि हार्दिक को कप्तानी क्यों दी, रोहित को क्यों नहीं। बिल्कुल। दूसरा, जो मैच के बाद उनकी बॉडी लैंग्वेज थी, हंस रहे थे, इधर उधर भाग रहे थे, और फिर उन्होंने आकर ऐसा बयान दे दिया कि हार को मजाक में ले लिया। मतलब लोग कह रहे थे कि यार दोनों टीमों को देखकर ऐसा लग रहा है कि मुंबई जीता है, मुंबई हारा नहीं है। उन्होंने आकर कहा कि मेरी टीम की गेंदबाजी बड़ी अच्छी थी, और उन्होंने ये भी कहा कि आई लाइक्ड व्हाट आई सॉ। मतलब अपने गेंदबाजों दुनिया में तो नहीं चल रहे हैं, मैं वही कह रहा हूँ, क्योंकि अपनी गेंदबाजों की धुनाई हो रही है उस पर आप कह रहे हैं कि आई लाइक्ड व्हाट आई सॉ, वो सही बिल्कुल नहीं था। ये बड़ी बात विक्रांत आपने कही है। देखिए विक्रांत, क्रिकेट मैच हो या फिर सियासत, स्ट्रेटजी क्या है आपकी, ये बहुत ज्यादा मायने रखती है। जो प्लानिंग और गेम के हिसाब से अपनी रणनीति सही वक्त पर बदलता है वही मैदान मारता है, यानी कि जीत हासिल करता है। और अगर बात कठिन पिचों की हो तो अक्सर बड़े फैसले खेल का रुख बदल देते हैं। ऐसी ही प्लानिंग भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश की छिंदवाड़ा सीट को लेकर कर रही है। ये कमलनाथ का गढ़ माना जाता है, जहां से उनके बेटे नकुलनाथ, जिन्होंने 2019 में जीत हासिल की थी, वहीं ये मध्य प्रदेश की इकलौती ऐसी सीट है जो भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है।
ऐसे में एमपी में क्लीन स्वीप के लिए बीजेपी ने छिंदवाड़ा को लेकर क्या बनाई है खास स्ट्रैटेजी, अपने दर्शकों को दिखाते हैं। लोकसभा के चुनावी खेल में बीजेपी को एमपी की सभी 29 सीटों पर विजय पाने की राह में सबसे बड़ा रोड़ा छिंदवाड़ा है, क्योंकि यहां से नकुलनाथ नॉट आउट है। इसीलिए छिंदवाड़ा के पिच पर जीत की राह आसान बनाने के लिए बीजेपी ने अलग स्ट्रेटजी बनाई है। इसके तहत ज्यादा से ज्यादा कार्यकर्ताओं को बीजेपी में लाना है। छिंदवाड़ा से 50,000 कार्यकर्ताओं को बीजेपी में शामिल कराने का लक्ष्य है। बीजेपी ने छिंदवाड़ा में सबसे ज्यादा सरकारी योजनाओं के लाभार्थी बनाए। केंद्र सरकार की योजनाओं को घर घर पहुंचाया जा रहा है। कमलनाथ के करीबियों को तोड़कर बीजेपी में शामिल कराया जा रहा है। छिंदवाड़ा में स्थानीय नेताओं से ज्यादा बीजेपी के बड़े चेहरे प्रचार करेंगे, ऐसा प्लान है। बीजेपी प्रत्याशी कह रहे हैं कि बीजेपी ने छिंदवाड़ा में विकास किया है, इसलिए विकास जीतेगा। यहाँ के व्यवसायी, हमारे छिंदवाड़ा के व्यवसायी बोलो बहुत मेहनती है, मेहनत करते हैं, अपने दम पर उन्होंने शोरूम लिया। किसान बहुत मेहनती है, मेहनत करता है, और छिंदवाड़े में जो कुछ भी आया है ये सब भारतीय मेडिकल कॉलेज भारतीय जनता पार्टी ने बनाई है, मोदी जी ने और प्रदेश की सरकार का पैसा उसमें दिया गया। और कांग्रेस प्रत्याशी कह रहे हैं कि उनकी जीत का सिलसिला नहीं टूटने वाला। मुझे पूरा विश्वास है छिंदवाड़ा की जनता पर कि वो अपना प्यार और आशीर्वाद मुझे दोबारा देंगे। सवाल बना हुआ है कि छिंदवाड़ा का मैदान कौन मारेगा। छिंदवाड़ा की सियासी पिच पर कमलनाथ और नकुलनाथ सचिन तेंदुलकर की तरह कुछ इस तरह अब तक बल्लेबाजी करते आए हैं कि विरोधियों के लिए इन्हें आउट कर पाना लगभग नामुमकिन रहा है। लेकिन अब बीजेपी दावा कर रही है कि उसने छिंदवाड़ा के लिए एक ऐसी रणनीति बनाकर गुगली फेंकी है कि कमलनाथ और नकुलनाथ अपनी ही सियासी पिच पर इस बार क्लीन बोल्ड होने वाले हैं। कैमरामैन अमरीश के साथ रवीश पाल सिंह, छिंदवाड़ा आज तक। राजनीति की बात तो हमने कर ली, वैसे विक्रांत अगर क्रिकेट की बात करें तो आज के मुकाबले में क्या खास होने वाला है, किस स्ट्रेटजी के साथ टीमें मैदान में उतरने वाली हैं? आज मुकाबला है जयपुर, और एक जो टशन चलता आ रहा है कि होम टीम जीत रही है। अब सवाल यह है कि क्या राजस्थान रॉयल्स अपना दूसरा मुकाबला जीतेंगे। उनके सामने दिल्ली है, दिल्ली कैपिटल्स पंजाब से उस दिन बुल्लापुर में हार कर आया, और दिल्ली कैपिटल्स में एक बड़े जबरदस्त खिलाड़ी की वापसी हो चुकी है, ऋषभ पंत। तो सबकी नजर रहेगी कि ऋषभ पंत इस मुकाबले में क्या करते हैं। वहां पर आप ये देखना चाहेंगे कि युवा टीम जायसवाल वो राजस्थान के लिए क्या करते हैं। वैसे अगर आप देखें दिल्ली कैपिटल्स को ना अपने खेल को थोड़ा सुधारना होगा अगर उनको कंटेंडर बनना है। 7:30 बजे शाम को ये मुकाबला शुरू होगा। 5 मुकाबले पिछले हुए हैं, 3 राजस्थान जीता है, दिल्ली भी 2 जीता है। तो ये सारी जो चीजें हैं ये आपकी स्क्रीन पर है। वैसे दिल्ली, जैसे मैंने कहा, पहला मैच भले हार गई हो लेकिन उसके लिए अच्छी बात यह है कि ऋषभ पंत वापसी कर चुके हैं। पहले मैच में उन्होंने 13 गेंद पर 18 रन बनाए, लेकिन एक लंबी पारी उन्हें हो सकता है कि भारत की वर्ल्ड T20 टीम में जगह भी दिला दे। उन्होंने एक स्टंप भी किया था, और यह भी देखना होगा कि डेविड वार्नर इस मैच में क्या करते हैं। बिल्कुल, इन पर खास तौर से नजरें रहने वाली हैं जिन खिलाड़ियों का आपने जिक्र किया है, और संजू सैमसन पर भी। संजू सैमसन, यशस्वी जायसवाल जो सामने वाली टीम से खेलेंगे। मैं तो ये देखना चाहता हूं कि बटलर इस मैच में क्या करते हैं, क्योंकि पिछले मैच में उन्होंने रन नहीं बनाए थे, लेकिन अगर जायसवाल और बटलर ने जबरदस्त स्टार्ट दे दिया तो फिर कल के मैच की तरह आपको यहां पर भी चौके और छक्कों की बरसात दिख सकती है। कुल मिलाकर मैं तो यही कहना चाहूंगी कि कम से कम मजेदार मैच हो, कांटे का मुकाबला हो, आखिरी बॉल तक मजा आए उस मैच को देखकर। 7:30 बजे मुकाबला शुरू होगा, और अभी भी आप स्पोर्ट्स तक पर जा सकते हैं यूट्यूब पे, और मिड इनिंग शो और जो मैच खत्म होगा भाई महफिल वहीं पर हम लगाने वाले हैं। पूरी महफिल वहीं पर लगने वाली है, लेकिन चुनावी शंखनाद में इसी के साथ दीजिए इजाजत। वहां पर तो दर्शक चाहेंगे कांटे का मुकाबला हो, लेकिन राजनीतिक दल इस तरफ चाह रहे हैं कि एक तरफा मुकाबला हो, और बीजेपी 400 पार का नारा लगा रही है, तो दूसरी तरफ वहीं तमाम दूसरे राजनीतिक दल बीजेपी को हराने का दावा कर रहे हैं। आगे क्या होगा इस पर रहेगी हमारी नजर। मैच से जुड़े आपके हर सवाल का हम देंगे जवाब। जानने के लिए हर अपडेट, लाइव एनालिसिस, स्पेशल इंटरव्यूज, डाउनलोड कीजिए स्पोर्ट्स द कैप।